हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? सुपर सोनिक चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी मारुति की एक टॉप सेलिंग कार के ऊपर ही होने वाली है। मारुति बलेनो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, एक प्रीमियम हैचबैक अगर आप देखते हो तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इवन मेरे एक फ्रेंड के पास भी ये गाड़ी है और मुझे इस गाड़ी में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि फ़न टू राइड गाड़ी है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, एवरेज भी बहुत अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी से। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी बेकार भी लगती हैं, जैसे कि नंबर वन बिल्ड क्वालिटी ही ले लो। ये गाड़ी अगर मैं कहता हूँ कि 20 की स्पीड से भी एक खम्भे से जाके टकराती है तो इतना ज़्यादा डैमेज आ जाएगा कि आप लोग खुद सोच भी नहीं सकते। और ये मेरा इवन खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग एक जगह टाटा की ऑल्ट्रो जो कि इसी के कंपटीशन में आती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि टाटा की हर गाड़ी ही बेहतरीन है, बट कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी को थोड़ा तो अपने बिल्ड क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ 2 स्टार और कहाँ 5 स्टार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे पता है जब मौत आनी है तो 5 स्टार क्या 10 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी भी आपको नहीं बचा सकती, बट कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सेफ्टी लेकर भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपके खुद के लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो, वाइफ के लिए हो, बच्चों किसी भी के लिए हो, बट एटलीस्ट आप लोग इतनी तो फिक्र रखते हो ही होगे अपने परिवार की या फिर अपने मेंबर्स की कि हाँ उनके लिए भी आप लोगों एक सेफ गाड़ी लेनी है। खैर बलेनो का जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि बलेनो के बम्पर को एक बार आप लोग नॉर्मली प्रेस करके देखना, जो पीछे वाला बम्पर आता है उसकी क्वालिटी देखना कि कितनी आराम से वो चीज़ दब जाती है। वही अगर आप लोग अल्ट्रोज में करो या i20 में करो, गैस पूरी ताकत भी लगाओगे ना तो भी वो अंदर नहीं जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं यार देखो, आज के टाइम में आप लोगों को हमेशा सिर्फ माइलेज के लिए नहीं सोचना चाहिए, माइलेज से बढ़ कर की भी ज़िंदगी है। अगर आपकी लाइफ रहेगी तो आप लोग पता नहीं कितना ज़्यादा पेट्रोल डलवाओगे, कितनी सारी नई गाड़ी लोगे, बट अगर आप लोगों की ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर फ़ायदा क्या। अब इन इंसिडेंट्स में कुछ इंसिडेंट तो इतने भयंकर हैं जो कि 10-15 की स्पीड पे भी होने के बाद गाड़ी ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतने कम स्पीड में भी इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा। कुछ एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा भयंकर हैं जिसमें एक ट्रक, एक बस बीच में बलेनो, ऐसा लगता है जैसे पेपर फॉइल होता है ना उसको हाथ में लेके ऐसे मतलब चिमोड़ में मोड़ दो, वैसा वाला सीन हो रखा है इन गाड़ियों के साथ। तो लोग अगर कहते हैं कि मारुति टीन का डब्बा है, ये गलत है या सही, आप ही मुझे डिसाइड करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को अपनी लाइफ मतलब अगर मान लो एक गाड़ी लेने जा रहे हो, एक प्रीमियम हैचबैक, तो क्या आप लोग सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप लोग गाड़ी के अंदर देखोगे? क्या वो फीचर है या फिर आपकी लाइफ है या फिर आप लोग माइलेज देखोगे? क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोग गाड़ी लेने से पहले सोचोगे, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आप लोग वीडियो देखो और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ यार, सेफ ड्राइव करो, अपनी गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाओ, ही आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा।